हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी कक्षा 9 के छात्र हो, संस्कृत का पेपर देने जा रहे हो, संस्कृत मासिक एग्जाम है तो लेकर आ चुके संस्कृत का बिल्कुल पता, ठीक है। ये संस्कृत का आपका पेपर होने वाला है, आपका विषय कोड 105 रहने वाला है, 50 नंबर का यह पेपर होने वाला कक्षा 9 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का कक्षा 9 के लिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिया, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया। आपको समय मिलने वाला 1 घंटा 30 मिनट का। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिए डाउनलोड करने के लिए ना, वहाँ से पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, ठीक है। 1 से 30 तक प्रश्न दिया है, जिनमें से आपको 25 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपनिषद किन के विचारों को प्रकट करता है? साधुओं के, ऋषियों के, मुनियों के, कृष्ण के। तो उपनिषद किसके विचारों को प्रकट करते हैं? तो साधुओं के विचारों को प्रकट करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मृत्यु में, ठीक है, मृत्यु में .. गम्य, तो क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन ए दिया सद ज्योति अमृतम मनसा, इसका क्या हो जाएगा ना? ज्योति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनेके साम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, षष्ठी, ठीक है, पंचमी या चतुर्थ, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पंचमी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पंचतंत्र कितने भागों में है? तो 1, 4, 3, 5। तो पंचतंत्र कितने भागों में थी? ना पंचतंत्र 5 भागों में है। आपको ऐसे ही लग रहा है पंच प्लस तंत्र, तो कितने भागों में? तो 5 भागों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रगम्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगम्य में उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, तो प्र और प्लस गम्य, ठीक है, तो प्रणम्य, प्रणम्य दिया है, ठीक है, प्रणम्य दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समास में किसका मेल होता है? धातुओं का, वर्णों का, पदों का, अव्ययों का। तो समास में किसका मेल होता है? तो पदों का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अ प्लस ई के मेल से, ठीक है, अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? तो अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? तो ओ बनता है, ओ, ठीक है। ओ और ओ कहाँ दिया है? तो ऑप्शन देखिए, तो ए में ए दिया है, बी में ए दिया है, डी में ओ दिया है, ऑप्शन सी में ओ दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? तो ओ बनता है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, क्रिया को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया को संपन्न करने वाले क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, अव्यय कहते हैं, कर्म कहते हैं या कर्ता कहते हैं? तो क्रिया को पूरा करने वाले को क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 9 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिया वर्तमान काल में सम जुड़ने पर किस काल का बोध होता है? ठीक है, भविष्य काल, भूत का, तात्कालिक वर्तमान, हेतु मद भूतकाल। तो देखिए इसमें सम जोड़ने पर किसका होता है ना? तो भविष्य काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चास्तिक किस संधि का उदाहरण है? स्वर, दीर्घ, गुण, यण। तो चास्तिक किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ का उदाहरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अधिष्ठाने में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, ठीक है, सप्तमी, चतुर्थ, पंचमी। तो कौन सी विभक्ति है? तो ये पंचमी है। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भैरवानंद कौन थे? तो भैरवानंद कौन थे? साधु थे कि योगी थे, संत थे या महापुरुष थे? तो भैरवानंद कौन थे? तो भैरवानंद जो थे ना वो ना क्या थे? तो ये साधु थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भैरवानंद किधर जाने के लिए कहे थे? नदी की ओर, समुद्र की ओर, हिमालय की ओर, काशी की ओर। तो जो भैरवानंद थे वो किधर जाने के लिए बोले थे? तो हिमालय की ओर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लकार कितने हैं। देखिए लकार कितने हैं? 10 हैं, 8 हैं, 5 हैं या 7 हैं? तो जो लकार हैं ना वो कितने हैं? तो देखिए लकार जो हैं वो कितने हैं? तो लकार कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर इसका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भैरव नंद के चारों ब्राह्मण पुत्र को क्या क्या दिया, ठीक है। भैरव नंद ने चारों ब्राह्मण पुत्र को क्या दिया, तो वर्तिका दिया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दूसरा, वर्तिका कहाँ गिरा था, जहाँ पर डॉट डॉट था, तांबा था, सोना था, चांदी था या रत्न था। तो क्या था ना, तो चांदी था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ना सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, चौथा ब्राह्मण पुत्र किस चीज़ की खोज में चला, सोने की, चांदी की, हीरे की या रत्न की। तो किसके खोज में चला था, तो ये हीरे की खोज में चला था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चक्र किसके सिर पर आ गया था, चतुर्थ पुत्र, तृतीय पुत्र दिया है, सी नंबर दिया, द्वितीय दे दिया है, प्रथम पुत्र। देखिए चक्र किसके सिर पर आ गया था, तो ये चतुर्थ पुत्र का, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सिर पर चक्र आने से क्या होने लगा, खुशी, दर्द, पीड़ा, आनंद। तो क्या होने लगा, तो पीड़ा होने लगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, तीसरे पुत्र की वर्तिका कहाँ गिरी थी, चांदी के पास, रत्न के पास, सोने के पास, चक्र के पास, ठीक है। तो कहाँ गिरी थी, ये सोने के पास गिरी थी। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पहली वर्तिका जहाँ गिरी थी वहाँ क्या था, लोहा था, तांबा था, चांदी था या सोना था। तो क्या था, तो ये लोहा था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, चक्र को किसने धारण किया था, पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। चक्र को किसने धारण किया था, तो दूसरा ने, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ना राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे है, अधिक लालच से क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है, लाभ और हानि होता है, केवल हानि होता है। तो अधिक लालच से क्या होता है, तो केवल हानि होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभौतः दिया, अभौतः किस लकार का, कौन सा लकार है, लोट लकार, लिट लकार, लिट लकार या फिर लीड लकार। तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, लतायाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थ या फिर पंचमी। तो कौन सी है, तो सप्तमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति, तृतीय होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, पठितुआ में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितुआ में कौन सा प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय है वो बाद में लगता है, तो कौन सा, तो कत्वा हो जाएगा, ठीक है। पठितुआ, तो क तो छुपा है, तवा लौक रहा है, तो मतलब तवा मतलब कत्वा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। पठेऊ में कौन सा लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है, विधि लिंग है या फिर, ठीक है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या, लिट लकार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे, कारक की संस्कृत में कितनी होती है, तो कारक कितनी होती है, तो सात होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे समास के कितने भेद हैं, तो समास के कितने भेद हैं, तो पांच भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।